हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि अगर आपको डायनामिकली ट्री व्यू बनाना हो तो किस तरीके से आप उसे बना सकते हैं। यहां पर ट्री व्यू का मतलब यह है कि जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने बोला है कि इंडिया और यूएसए नाम की हमारी दो टॉप लेवल पे कंट्रीज हैं, इनके अंदर इनकी स्टेट आई और इसके अंदर इनकी सिटी आई। डेटाबेस अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारी ये जो टेबल है ये बनाई हुई है। हमारे पास सिटी है और हम लोगों ने पेरेंट का यहां पे कॉम्बिनेशन यूज कर दें, तो इसी चीज को आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसे कोर पीएचपी में हमारे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारे कोडिंग के पार्ट को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं यहां पर कि हम लोग एक डेटाबेस की टेबल बना लेते हैं। तो लेट से मैंने एक टेबल बनाई यहां पे सिटी नाम से और चार मैंने यहां पे फील्ड ले लिए। एक ले ली हमने आईडी, एक ले ली हमने हमारा सिटी, सिटी का नाम क्या है, और एक ले लिया हमने पेरेंट अंडरस्कोर आईडी। एक्चुअली तीन ही की जरूरत पड़ेगी हमें, चार की भी जरूरत नहीं है यहां पे। तो इसको मैं वेर केयर कर देता हूं, इंटीजर रहने देते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, साइज दे देते हैं लेट से 50 और सेव कर देते हैं। डेटा डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेटा डालता हूं यहां पे इंडिया, पेरेंट आईडी 0 मेरी। अब इंडिया के अंदर हम बाकी का यहां पे डेटा डालेंगे। लेट से मैंने यहां पे स्टेट्स डालनी शुरू कर दी। इंडिया के अंदर मैंने स्टेट डाली पंजाब। अब पंजाब मेरा है यहां पे इंडिया के अंदर। मैं वन बाई वन आपको यहां पर इसलिए डेटा डाल के दिखा रहा हूं। तो रिलेशन कैसे सेट हुआ कि ये जो पेरेंट आईडी है, ये पेरेंट आईडी जिसकी भी है ये डेटा उससे रिलेटेड है। कुछ और डेटा डालते हैं यहां पे, पंजाब डाला हमने, लेट से यूपी ले लेते हैं। यूपी को भी मैंने वन के अंदर डाला, इसका मतलब ये यूपी भी वन के अंदर आता है। अब इन दोनों में डेटा डाल देते हैं। पंजाब के अंदर मैं पंजाब की सिटीज डाल देता हूं, लेट से मैंने डाल दिया यहां पर गुरदासपुर। अब गुरदासपुर मेरा यहां पर दो के अंदर है, दो पे हमारा पंजाब है। इसके बाद मैं यहां पे कुछ और सिटी डाल देता हूं, लेट से हम अमृतसर डाल देते हैं। अमृतसर भी मेरा यहां पे दो के अंदर आता है। तो रिलेशन कैसे सेट हुआ, ये वन इसके अंदर है और ये दो टू का आईडी के अंदर ये दोनों है। यूपी में चलते हैं, यूपी में यहां पे आगरा डाल देता हूं, ये मेरा तीन के अंदर हो गया। और लेट से यहां पर बरेली डाल देते हैं, BARELY कैपिटल कर देते हैं और यहां भी इसे तीन डाल देते हैं। तो इस तरीके से यहां पे मेरा ये जो सिंपल डेटा है ये यहां पे बेसिकली सेट हो जाता है। इसके बाद यहां पे एक और स्टेट डाल देते हैं, तो लेट से अज्यूम मैं यूएसए ले लेता हूं यहां पे। पेरेंट आईडी अगेन इसकी मेरी जीरो जाएगी। तो अब यूएसए मेरा जीरो नंबर पे आ गया, मतलब यूएसए भी मेरी नाम की एक यहां पे कंट्री है। अब यूएसए के अंदर हम लोग स्टेट डाल देते हैं। आईडी क्या है, आईडी 8 है हमारी। तो अब 8 के अंदर हम लोग यहां पे दो अलग अलग स्टेट डाल देंगे। एक स्टेट में ले लेता हूं यहां पे टेक्सास, टेक्सास। अब ये आप ध्यान देंगे यहां पे कि ये हम लोगों ने 8 के अंदर डाला है, जिससे हम लोग इसका रिलेशन सेट कर सकते हैं कि ये जो हमारी पर्टिकुलर स्टेट है ये किस कंट्री के यहां पे अंडर हमारी आ रही है, ठीक है। इसके बाद एक और डाल देते हैं यहां पे, लेट से हम लोग कैलिफोर्निया ले लेते हैं। तो मैं डाल देता हूं, सबमिट करते हैं। अब यहां पे जो कैलिफोर्निया टेक्सास है ये मेरी यहां पे यूएस के अंदर आ गई, अमेरिका के अंदर आ गई। अब इसके अंदर हम लोग अलग अलग डेटा डाल देते हैं। सबसे पहले टेक्सास के अंदर डेटा डाल देते हैं, यानी कि आईडी नंबर 9 के अंदर यहां पर डेटा डाल देते हैं। तो मैं कोई स्टेट ले लेता हूं यहां पर, एक ले लेते हैं हम HOUSTON हॉस्टन, और एक और ले लेते हैं यहां पे लेट से सैन एंटोनियो। ये टेक्सास के अंदर ही आता है ना आई गेस, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। टेक्सास के अंदर आता है, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब एक रह गया मेरे पास कैलिफोर्निया के बारे में, करते हैं और कैलिफोर्निया इसको मैं खाली 10 नंबर के अंदर डाल देता हूं। तो ये मेरा जो डेटा है यहां पे इस तरीके से बन जाता है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे कोड पे, पीएचपी की फाइल पे चलते हैं और सबसे पहले तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी बना लेते हैं। तो मैं यहां पे डाल देता हूं $CON is equal to MySQLi_query।
सॉरी कनेक्ट करना पड़ेगा पहले तो डेटाबेस से। कनेक्टिविटी के लिए मैं डीबी का नाम देख लेता हूं, यूट्यूब नाम है मेरा, तो मैं यहां डाल देता हूं सिंगल कोट। सबसे पहले होस्ट लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक, और यहां पे डाल देते हैं यूट्यूब। डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं, उसके लिए मैं यहां पे एक एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूं, res इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, और कनेक्टिविटी यहां डाल देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। सिटी की टेबल से सारा का सारा जो डेटा है वो लाके हमें दे दिया जाए। एक एरे बनाते हैं ब्लैंक एरे, और वाइल लूप को चलाते हैं डॉलर रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव डॉलर res, और सारा का सारा जो इसका डेटा है वो लेके हम हमारे सिस्टम में डाल देंगे। अब ये एरे बनाना पड़ेगा, अब इस एरे को हमें थोड़ा सा अलग ढंग से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले चीज, इसकी जो आईडी है वो मैं करंट रिकॉर्ड की आईडी लेता हूं, और जो मेरा इसका नाम होने वाला है तो मैं यहां डाल देता हूं सिटी इज इक्वल टू, इसको एक्चुअली बाहर करना पड़ेगा मुझे, मेरा आ गया ये आईडी, आईडी के बाद ये मेरा बाहर आएगा एक्चुअली में, इज इक्वल टू रो ऑफ सिटी, और इसको कॉपी करके एक रो और ऐड कर देते हैं यहां पे, ये कर देते हैं पेरेंट आईडी के लिए, पेरेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस। एक बार मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता देता हूं, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए यहां पे कि कौन सी आईडी के अंदर मेरा क्या ऐड हो रहा है। चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है, अब ये आईडी जो आ रही है ये इस रिकॉर्ड की पर्टिकुलर आईडी है। यहां पे कमेंट आउट करते हैं इसको। अब यहां पे हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे, हमारा प्री डिफाइन कॉल फंक्शन, तो यहां पे हम फंक्शन को डाल देते हैं बिल्ड ट्री व्यू, और ये पूरे का पूरा जो एरे है ये डाल देते हैं, और हम ये बोल देते हैं कि करंट हमारा ये जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। एक फंक्शन इस तरीके का बनाएंगे और उसे ऊपर के डेटा से कॉल कर देंगे। फंक्शन बनाते हैं यहां पे, ये नाम का हमने फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। पहला मैंने करा ये पैरामीटर पास, दूसरा मैंने यहां पे बोला कि मेरा पेरेंट क्या है इसका, यानी कि ये जैसे जीरो पास हो रहा है, एक वेरिएबल मैंने बना लिया यहां पे पेरेंट। ये बेसिकली ये बताएगा कि हमारा ये जो कोड है ये इनिशियली किस लेवल से स्टार्ट होने वाला है। एक और पैरामीटर लेवल यहां पर, यह बताने के लिए, इसलिए कि अभी हमारा जो कोड है वो कौन से लेवल पे है। और एक और वेरिएबल प्री लेवल, ये बताएगा कि हमारा लेवल जो है उससे प्रीवियस लेवल क्या था। ये आगे हमें कैलकुलेशन में बेसिकली यूज होगा। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूं एक, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं जीरो। क्यों? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को कॉल करा है तब मेरे ये दोनों पैरामीटर एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी ये जो हमारे पास एरे आया, इस एरे से एक लूप चलाते हैं इससे, तो हमने बोला यहां पर फॉर ईच दिस एज, इससे एक लूप चलाया, हमने बोला आईडी और डेटा। अब जो इसकी आईडी होगी, जो प्राइमरी की होगी, मतलब ये जो आईडी है ये हमारी आईडी नाम के वेरिएबल में चली जाएगी, और डेटा के अंदर हमारा जो डेटा है इसका वो चला जाएगा। अब यहां पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन? इफ, अलग अलग कंडीशन लगेंगे यहां पर। अगर ये जो पेरेंट है हमारा, ये पेरेंट बराबर होगा इसके पेरेंट के, ये अगर बराबर होगा इस चीज के, मतलब हम लोग हमारी जो कोड है उसके फर्स्ट लेवल पे हैं, या मैं अगर आपको इसको बोलूं कि जो हमारी पेरेंट लेवल की आईडी है हम सबसे पहले उसे निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस पैरामीटर की वैल्यू कितनी है? इसकी जीरो। तो हमने चेक करा कि जब ये एरे का लूप घूमा वो टाइम पे जिस जिस की आईडी भी जीरो है वो टाइम पे हम लोग एक इको करेंगे ओएल ऑर्डर लिस्ट। ये खाली तभी खुलेगा जब हम लोग फर्स्ट लेवल पे होंगे हमारे एरे के, ठीक है? इफ डॉलर लेवल,
अगर ये लेवल बराबर होगा इस लेवल के, तो वो टाइम पे हम लोग एक LI को बंद करेंगे। दो चीजें हो गई यहां पे। इसके बाद हम लोग इको करेंगे यहां पे LI को, और यहां पे कॉन्केटिनेट कर देंगे हमारे डेटा में से सिटी को, इस सिटी के वेरिएबल को। इसके बाद हम ये चेक कराएंगे, जैसे ये डेटा हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद हम लोग ये चेक कराएंगे कि अगर डॉलर लेवल बड़ा होगा इस चीज के, तो हम लोग यहां पे जो हमारा ये प्री लेवल है इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे डॉलर लेवल के, और जैसे ही हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम हमारा ये जो वेरिएबल था कौन सा वाला लेवल, इसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे। देखिए जो कोडिंग मैं कर रहा हूं ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेवल पे है, बिगिनर लेवल पे क्या लॉजिक लग रहे हैं थोड़ा सा आपको टिपिकल यहां पर हो सकता है। इसके बाद हम लोग हमारे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे फिर से, ये रिकर्सिव यहां पे कॉल होगा एक के अंदर एक। हम लोगों ने बोला पूरे का पूरा एरे लो, और ये फंक्शन अब तब तक कॉल होता रहेगा जब तक कि आपका जो डेटा है वो कंप्लीट बन नहीं जाता। हम लोगों ने बोला यहां पे लेवल, और हम लोगों ने बोला यहां पे प्री लेवल। और जैसे ही ये पास होगा हम लोग लेवल की वैल्यू को 1 माइनस कर देंगे। एक कंडीशन और बचेगी, पर एक बार मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। अरे ये तो मेरा कुछ इनफाइनाइट लूप पे घूम गया। एक बार मैं कोड चेक कर लेता हूं यहां पे। फॉरिच लूप चलाया हम लोगों ने, चेक करा, हमने बोला कि अगर हमारा ये बराबर है, अच्छा ये एक्चुअल में ये सारी की सारी मेरा जो कोड है वो इस कंडीशन के अंदर आना चाहिए था कि अगर मेरा ये बराबर है तभी मेरी ये चीज होगी। ये मैंने थोड़ा सा जो था यहां पे कोड गलत कर दिया। ये एक्चुअल में हमारी होनी चाहिए थी, नीचे हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने ये ग्रेटर देन की कंडीशन ली है। एक्चुअल में OL भी जो है मेरा वो ग्रेटर देन की कंडीशन पे ही स्टार्ट होना चाहिए था। तो ये जो सारा का सारा मेरा कोड है इससे मैं यहां से कट करता हूं, क्योंकि ये मुझे सिर्फ जब मेरे ये दोनों चीजें बराबर होंगी उसी लेवल पे लेना है खाली इसे। इसको एक बार अंडू करते हैं, एक बार इसे दोबारा बंद करते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देखिए यहां पे कोड आपका बराबर आ गया, पर यूएस से यहां से बंद होके फिर से स्टार्ट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ यहां पर। और यूपी यहां पर पंजाब के लेवल पे आना चाहिए था, वो नहीं हुआ यहां पे। तो यहां पे हमारा एक LI बंद होना चाहिए था और एक OL दोबारा स्टार्ट होना चाहिए था, सॉरी एक LI बंद होना चाहिए था और एक OL बंद होना चाहिए था, वो नहीं हुआ बस हमारा यहां पे। तो हम बोलते हैं कि जब भी हम इस फॉरिश लूप से बाहर निकलेंगे और हमारी अगर ये कंडीशन होगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो जिस टाइम पे हमने LI को बंद किया था यहां पे, हम लोगों ने ऊपर LI को बंद किया था, उसी तरीके से हम लोग यहां से OL को भी बंद कर देते हैं अगर हमारा लेवल और प्री लेवल दोनों बराबर होगा तो। रीलोड करेंगे। अब आप देखिए अब जो ट्री स्ट्रक्चर था वो हमारा यहां पे आ गया। इंडिया आया, इंडिया के अंदर पंजाब आया, पंजाब के अंदर गुरदासपुर आया, अमृतसर आया, इसके बाद एक और स्टेट आई यूपी, उसके अंदर आगरा आया और बरेली आया, फिर यूएस से आया, उसके अंदर उसकी स्टेट आई और यहां पर ये आया। अब अगर मैं किसी भी डेटा को चेंज कर दूं, लेट से अज्यूम मैं कैलिफोर्निया को यहां पे पंजाब के अंडर कर दूं, दो के अंडर, या फिर ऑल लेवल चलते हैं, मैं कैलिफोर्निया को गुरदासपुर के अंडर ऐड कर दूं, मतलब इसकी पेरेंट आईडी को चेंज करके मैं 4 कर दूं। रीलोड करेंगे तो डायनामिकली ये इसको अपने आप मैनेज कर लेगा। इंडिया लिया, पंजाब लिया, कैलिफोर्निया लिया और गुरदासपुर लिया और उसके अंदर इसने कैलिफोर्निया डाल दिया। अगर यूएसए को मैं कैलिफोर्निया के अंडर ऐड कर दूं या यूएसए को मैं गुरदासपुर के अंडर ऐड कर दूं, इसको मैं अंडू कर देता हूं और मैं यूएसए को गुरदासपुर के अंडर डाल देता हूं, बस खाली आईडी चेंज करने से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। पंजाब में डाल दिया एक्चुअल में मैंने इसको, यूएसए को, यह मुझे 4 में डालना था यानी कि गुरदासपुर में डालना था।
ऑटोमेटिकली आपका पूरे का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज कर देगा। तो ये बस एक आईडी से आपका ये सारा का सारा जो काम है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। कोड की अगर बात करेंगे तो कुछ है नहीं यहां पे, बस खाली एक इफ एल्स की कंडीशन है जो हमने यहां पे लगाई है डायनामिकली हमारे इस लूप को बनाने के लिए। इस चीज का यूज हम ज्यादातर करते हैं जब हमें डायनामिक मेन्यू बनाने होते हैं, हमारे मल्टी लेवल मेन्यू, एक एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी से रिलेटेड होगा। पीएचपी के थ्रू हम लोग ये करके देखेंगे और लारावेल पे आप लोगों को पता ही है कि जो ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है हमारी उसमें भी हम लोग ये सेम चीज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो मुझे था कि जब मैं लारावेल में ये चीज को इंप्लीमेंट कर दूं तो उस टाइम पे अच्छा है कि हम लोग पीएचपी बेस को इंप्लीमेंट कर लें और उसके बाद लारावेल में चलें कि अगर किसी को कोर पीएचपी में भी समझना है तो किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, बेसिकली ट्री बनाने के लिए अगर आपको मल्टीपल लेवल पे यहां पे बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है आपको ये समझ आया होगा। यहां पे कोई डाउट है अभी भी तो एक बार वीडियो को आप फिर से देखिएगा जब हमने कोडिंग करी थी, तो मे बी आपके जो डाउट हो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। कोई इश्यू रह गया फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने अगर हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।